गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको पार्ट सेकंड पढ़ना है। कल तो इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ बताए थे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में आप अधिकतर समझ गए होंगे कि बिंदुओं का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हुआ आपका एक्स एक्सिस। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, ये पी हो गया, यहां पे कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब यहां पे कोई भी बिंदु दे दे, ठीक है। अब जैसे अभी हमको एक पॉइंट यहां ले रहा है, एक पॉइंट यहां ले रहा है, यहां पे 5.7 है, ठीक है। अभी वैसे नॉर्मल रफली आपको बता रहा है, और ये 2.3 जो भी, हाँ, -2, -3। अब ये दोनों बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे फार्मूला ये ड्रा करना है कि फार्मूला ड्राइव करना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको, जैसे होता क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वैसे फार्मूला होता है डी इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक तो ये होता है, यह आर करके वाई डी इक्वल टू वाई x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये दो बिंदुओं के बीच के बीच का फार्मूला है। अब यहां लिखेंगे क्या कि माना दो बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी आप बताइए। ये हमने मिला दिया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट है इनका। अब यही ये इनके बीच की जो दूरी है हम d मान ले रहे हैं, ठीक है। ये d है, यही d जो है वो x1 y1 x2 y2 के टर्म में निकालना है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आइए, ये दोनों पॉइंट है, ये ओरिजिन है आपका O, ठीक है। तो P से भी हम यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये L हो गया। Q से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये L के बाद M कर लीजिए आप, और यहाँ P से भी परपेंडिकुलर यहाँ इस पे QM पे खींचे हम, इसको मान लीजिए R है, ठीक है। PQ R हो गया, यहीं से आपको निकालना है। देखिए X1, ये जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या है कि X1 Y1, मतलब कि Y अक्ष से लंबवत दूरी X1 है, मतलब यहां से यहां तक कितना X1 है, तो यहां से यहां तक आपका क्या हो गया X1, ये यहां तक, ठीक है। फिर यहां से यहां तक कितना हुआ y1, ठीक है। ये जो है ये y1 है, यहां से यहां तक, ठीक है। फिर यहां से यहां तक कितना है x अक्ष से लंबवत दूरी, मतलब y2, यहां पे y2 है, ये y2 यहां से लेके यहां तक, ये y2 हो गया। फिर उसके बाद अब बताइए यहां से लेके यहां तक om कितना है, ये देखिए x2, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से अगर यहां पे लंबवत दूरी लेंगे तो x2 ही होगा ना, यहां से पूरा x2 हो गया। अब देखिए आप जरा बताइए lm कितना होगा, ये lm कितना होगा, देखिए पूरा कितना है x2 है, यहां ol कितना है x1 है। तो हमको ये अगर निकालना lm निकालना हो तो lm बराबर कितना हो जाएगा, x2 में से
एक्स वन घटा दो, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। फिर ये जितना ये हुआ उतना ये भी हो गया, ये भी हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन आपका, ठीक है। फिर यहां से यहां तक वाई वन है, तो यहां से यहां तक भी तो वाई वन हो जाएगा, ठीक है, ये भी वाई वन हुआ यहां से यहां तक, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, मतलब कि आर क्यू, आर क्यू कितना हो जाएगा, अब आर क्यू जो है आपका वो ये पूरा वाई टू है, ये पूरा इतना वाई टू है, वाई टू में से जब वाई वन घटा देंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, ये वाई टू माइनस वाई टू, ठीक है। अब एक चीज ये देखिए, इस वाले फार्मूले से, मतलब ये जो पॉइंट हमने एक्स वन वाई वन यहां लिया है, एक्स टू वाई टू यहां लिया है, इसके हिसाब से ये पहला वाला आएगा, ये वाला जो फार्मूला है ये आएगा, और फिर अगर दोनों के प्लेस चेंज कर दिए गए हों, एक्स टू वाई टू यहाँ हो गया हो और एक्स वन वाई वन यहाँ हो गया हो, तो ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। आइए माना, क्या माना, पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू डी है, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी हो गई, और फिर ये तो हम लंब खींचे ही हैं, यहां भी लंब खींचे, यही हमको पी क्यू का मान एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू के टर्म में निकालना है, ठीक है। आइए लिखिए, समकोण त्रिभुज, पी आर क्यू में, ठीक है, पी आर क्यू में। देखिए वैसे आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि पी आर कितना है, वो एक्स टू माइनस एक्स वन है, वो हम आपको समझा दिए कैसे आया, ठीक है, और फिर ये कितना है क्यू आर, वो वाई टू माइनस वाई वन है, ठीक है, और फिर पी क्यू इक्वल टू क्या है, पी क्यू इक्वल टू डी दिया ही है, माने हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू का मान जो है वो डी है, डी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पी आर कितना है, पी आर यहां पे देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन ये हो गया, प्लस क्यू आर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां अगर हम डी निकाल रहे हैं तो ये यहां पे अंडर रूट में हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही आपको लाना था, ठीक है, यही डिराइव हो गया, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है डी इक्वल टू चाहे एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में करिए प्लस वाई वन माइनस वाई टू, या फिर देखिए दोनों में से एक चाहे जो आप यूज कर लीजिए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ, यहाँ एक्स वन वाई एक्स वन माइनस एक्स टू हुआ, यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन हुआ, ये देखिए ये दूरी बड़ी है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाई वन है, यहाँ से यहाँ तक एक्स वन है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्स टू है, और यहाँ से यहाँ तक वाई टू है, जो बड़ा है, बड़े में से छोटा वाला घटाते हैं तो यहाँ से वाई, अगर दोनों का इस प्लेस बदल दें, ठीक है, अगर एक्स वन वाई वन के स्थान पे या पी के स्थान पे क्यू और क्यू के स्थान पे पी हो जाए तो ये वाला दूसरा वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, ठीक है, नोट करिए आप।
बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा आप ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमें ड्राइव करें किए हैं, हम लिखे नहीं, इसको आप लिख लीजिएगा। और यहाँ से दो बिंदुओं पी एक्स वन वाई वन हम केवल आपको बताए थे वैसे, तो यहाँ लिख के आप उसके बाद ये नीचे आप ड्राइव कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं हम क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं 5.2 और 7.2-2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और अगर कह दे कि पहले इसको ग्राफ पर दर्शाइए, प्लाट करिए इसको, इन दोनों पॉइंट्स को। चलिए यहाँ हम आपको प्लाट करके दिखा दे रहे हैं। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, चाहे जहाँ तक आप कर लीजिए, इधर -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 ये प्लस में। तो आप देखिए 5.2 कहाँ होगा, 5.2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 5.2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो उसके बाद इसको प्लॉट करेंगे, देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी या x अक्ष पर मापी गई दूरी 5 है, पहले देखिए यहां से तो, और इस पे कितना है 2 है, 1, 2, 2 से चलिए और यहां से ऐसे लंबवत दूरी खींचेंगे हम, ठीक है, ऐसे यहां इसके सामने तक आएंगे, ठीक है, फिर यहां से इस पे लंबवत ऐसे खींचेंगे। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा वो 5.2 हो जाएगा, ठीक है, ये 5.2 हो गया। फिर उसके बाद ये 2.-2, 2.-2 ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में ना, फोर्थ में होगा। तो आप देखिए 2.2 देखिए यहाँ से इस ऐसे लंब आप डालेंगे, यहाँ से ऐसे लंब एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2.-2। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब आपको यही बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या है, जो भी है। अब आप अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना आपको, तो क्या करेंगे आप, अब सीधा आप वही फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, तो ये ए हो गया, ये बी, तो ए बी इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, अंडर रूट में क्या x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। इसको अब देखिए x2-x1 मतलब कि x2 का है आपका यहाँ 2 है, 2-5 का होल स्क्वायर प्लस x2 -2 -2 -2 -2 मतलब कि x2-x1 y2-y1। तो y2 आपका -2 ऑलरेडी है, यहाँ पे उसमें से घटा देंगे -2। तो देखिए ये प्लस माइनस घट जाते हैं, -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए जुड़ जाएगा -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। देखिए आप ये 3 -3 × -3 + 9 हो जाएगा प्लस -4 × -4 = 16 हो जाएगा। तो उसके बाद ये टोटल मिला के 25 हो जाएगा। अब जब ये देखिए इस ये अंडर रूट में है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा ए बी
ए बी बराबर प्लस माइनस फाइव, ये हो जाएगा मात्रक, ठीक है, मात्रक या इकाई दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है, मात्रक या इकाई। अब अगर प्लाट करना हो तो जिस तरह बताया उस तरह प्लाट कर लीजिएगा, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला है, लगा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, तो प्यारे बच्चों आगे क्या पढ़ना है कि संरेखीय बिंदु, ये संरेखीय मतलब अगर किसी रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु हैं तो संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। देखिए अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तीन बिंदु संरेखीय होते हैं, ठीक है, तो इसका दो मेथड है। यहां पे दूरी के फार्मूले पे, दूरी के सूत्र से निकालना है कि दिए गए संरेखीय बिंदु जो है वो संरेख हैं, तो यहां क्या लिखना आपको, संरेख बिंदु, ठीक है, यहां आपको बताना है बिंदु संरेख है कि नहीं। संरेख होने का कंडीशन क्या है, डिस्टेंस के फार्मूले पे, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर बिंदु संरेख होंगे तो मतलब कोई भी आकृति जो है फॉर्म नहीं करेगा, कोई भी शेप जो है, कोई भी शेप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो एक रेखा पर है तब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आकृति, कोई भी आकृति फॉर्म नहीं करेगा। अगर आकृति कोई भी फॉर्म कर रहा है तो वो संरेख नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या है, अगर दो भुजाओं का योग, देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा सदैव बड़ा होता है, और इसमें क्या है संरेख होने में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, ठीक है, अगर बराबर है तो संरेख है। यहां पे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ठीक है, ये तो बस हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। अब कौन आगे पीछे होगा, या फिर अगर देखिए तीन कंडीशन होंगी यहां पे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, फिर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी, फिर ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी। तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर है तब भी, कोई एक कंडीशन अगर है, अगर तीनों में से कोई भी नहीं है तब क्या होगा, त्रिभुज ये जो बिंदु होंगे तीनों ये संरेख नहीं होंगे अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। ये तो दूरी का प्रयोग करते हुए आप बताएंगे कि तीन बिंदु, दिए हुए तीन बिंदु संरेख हैं कि नहीं है, और जैसे ये तीन बिंदु दिया है, यहाँ पे कोई उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो तीनों बिंदुओं के बीच मतलब कि इस ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर ए सी, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप इस कंडीशन को फॉलो करवा दीजिएगा। अगर ये फॉलो हुआ तो कह देंगे आप अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, अगर नहीं फॉलो हुआ तो अतः आप कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है, नोट करिए। आगे देखते हैं, अब आगे देखिए इक्वेशन है, दिखाइए कि बिंदु वन कामा माइनस वन, फाइव कामा माइनस टू और नाइन कामा फाइव संरेखीय है, ठीक है। पहले आप ऐसे फिगर बना लीजिए, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वन कामा वन ले लीजिए, फिर ये फाइव कामा माइनस टू और नाइन कामा फाइव, ठीक है। देखिए रफली प्लाट किए, तो पहले
हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, इसको एक्स वन वाई वन मान लीजिए, ठीक है, और ये एक्स टू वाई टू हो गया, ठीक है। अब यहां के लिए नॉर्मली देखेंगे क्योंकि यहां पे देखिए जब ए और बी बिंदु ले रहे हैं तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है, ठीक है, तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, फिर यहां पे वाई टू माइनस वाई वन मतलब कि माइनस टू माइनस ये माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ये फोर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में फोर फोर या सिक्सटीन प्लस ये वन, ठीक है, ये अंडर रूट सेवनटीन हो गया, अंडर रूट सेवनटीन इकाई या मात्रा, ठीक है। आगे देखिए आप बी सी निकालिए, बी सी बी सी निकालते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू ये एक्स वन ये वाई टू ये वाई वन, नाइन माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस तो माइनस टू है प्लस टू हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है, नाइन में से फाइव जाएगा फोर का होल स्क्वायर प्लस फाइव टू सेवन का होल स्क्वायर, ठीक है, फोर फोर या सिक्सटीन प्लस सेवन सेवन या फोर्टी नाइन, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा ये 65 हो जाएगा, ठीक है, ये 65 हो जाएगा। देखिए वैसे भी ये लग रहा है कि ये संरेख नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहीं से एसी हम प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं। एसी देखिए अंडर रूट में 9 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 8 जा 64 प्लस 6 जा 36, ये तो 100 हो जाएगा, ये तो ए सी पर तो 10 आ गया, 10 एक ए भी इकाई, ये भी इकाई, ठीक है। अब कह रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए तब ये संरेख होंगे, ठीक है, आइए देखते हैं क्या ये बराबर है, हो रहे हैं। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मतलब कि अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 65, ये देखिए ये इतना आ रहा है, ठीक है, और ये जो है ए सी के बराबर हो नहीं रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू ए सी। फिर जब ए कहीं बराबर नहीं है तो देखिए कोई और बराबर तो होगा, होगा नहीं,
प्लस ए सी निकाल लीजिए आप, ठीक है, बी सी प्लस ए सी, तो बी सी, बी सी कितना निकाले हम, अंडर रूट 65 निकाले हैं, प्लस 10 क्या नॉट इक्वल टू क्या ए बी, फिर ए सी प्लस ए बी निकाल लीजिए, ए सी प्लस ए बी, ए सी आपका 10 है, 10 प्लस अंडर रूट 17, दिस इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आता तीनों बिंदु असंरेख है, आता तीनों बिंदु असंरेख, यहाँ पे दर्शाइए ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है, और प्रोसेस हम आपको बता दिए कि ऐसे कोई भी तीन बिंदु प्रोसेस आप जानते रहिए, तीन बिंदु कोई दिया हुआ है, ठीक है, तीन बिंदु कोई दिया हुआ है तो ऐसे आप ए बी सी मान के तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, ए बी बी सी सी, और उसके बाद दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है वो जो तीनों बिंदु होंगे वो क्या होंगे, संरेख हो जाएंगे, ठीक है, आप इतना नोट करिए, बाकी आगे देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 है इन्हीं दोनों फार्मूलों पे बेस्ड है, तो आप लगाइएगा, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।